किसानों की ट्रैक्टर रैली लगातार जारी है। इस वक्त एक ऐसे ट्रैक्टर और ट्रॉली पर हम मौजूद हैं जहां पर सोफा लगाया गया है। तमाम ये हरियाणा के किसान हमारे साथ, हरियाणा उत्तर प्रदेश के किसान इस ट्रैक्टर ट्रॉली पर मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं, क्या है प्लानिंग आप लोगों की आगे की? देखिए, आज आपके माध्यम से पूरे देश ने देखा, ये हिंदुस्तान के किसानों का ईस्टर्न पेरिफेरल पर किसानों के द्वारा जो ट्रैक्टर है उनकी एक परेड निकाली गई, एक रिहर्सल की हमने 26 जनवरी की। हमारा आज का ये संदेश है सरकार से, सरकार हमारी भावनाओं का आदर करे, देश की भावनाओं का आदर करे। आज जो किसानों ने अपनी भावनाओं को प्रकट किया है उसका आदर करते हुए हट छोड़े। सरकार तो आदर कर रही है लेकिन हट वो भी की हुई है, हट आप लोग भी, वो कह रही है संशोधन करेंगे, आप कह रहे हैं कानूनी रद्द कर दीजिए। नहीं, कानून तो रद्द करना पड़ेंगे। सरकार ने जब मान लिया है 8 दौर की वार्ता के बाद कि इसमें 10-12 लगभग संशोधन हो सकते हैं, तो जिन कानून में 12-12 संशोधन हो रहे हों स्वतः उनका स्ट्रक्चर, उनका मूल रूप खत्म हो जाता है, कोई माने नहीं रखता है। तो इतने कमजोर कानून देश का कल्याण नहीं कर सकते। लेकिन मोदी जी तो लगातार समझा रहे हैं कि कानून आप लोगों के हित में है। कानून हमारे हित में नहीं है, कानून अगर हित में होता तो किसान इतना यहाँ पे होता? हम कानून को पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं और उसका जो हमारा मिनिमम सपोर्ट मूल्य है उसका जो किसान के लिए उसको हम चाहते हैं उसको। यहाँ पर कुछ और युवा नेता बताइए, आप लोग भी हट पर है ना, सरकार समझा रही है, आप लोग भी तो नहीं मान रहे हैं? नहीं, सरकार का औचित्य क्या था? जो हम मांग रहे वो तो सरकार दे नहीं रही, और धक्के से हमारी जमीनों पे कब्जा देने के लिए ये अडानी अंबानी के WTO के कानून हमारे गले में फांसी के फंदे की तरह डाल रही है। मोदी जी ने कहा था कोई दूध खरीदने आता है तो आपकी गाय लेकर थोड़ी ना चले जाता है। नहीं नहीं, देखिए पूरी दुनिया में अमेरिका का पैटर्न देख लो, वहाँ आज भूखमरी की स्थिति है क्योंकि वहाँ ये 3 कानून पहले से लागू हो चुके हैं। दुनिया में अमेरिका की हालत है, तो आप हिंदुस्तान में किसान की जमीन छीनना चाहते हैं इन कानूनों के माध्यम से, आम आदमी को गुलाम बनाना चाहते हैं। किसानों के इस ट्रैक्टर मार्च को कवर करने के लिए आज तक के तमाम संवाददाता अलग अलग हिस्सों में लगातार मौजूद रहे, किसानों से बातचीत की, तो वहीं ये भी देखने और परखने की कोशिश की कि दरअसल आज की इन तस्वीरों के जरिए सरकार तक क्या बड़ा मैसेज पहुंचता है। आज तक संवाददाताओं की जुबानी, आज ट्रैक्टर रैली की ये पूरी कहानी देखिए। बड़ा संदेश कहीं ना कहीं सरकार को देते हुए, उनके हिसाब से ये एक ऐसी परेड की प्रैक्टिस है जो उनके संघर्ष, उनके वजूद और उनके वर्चस्व से जुड़ी हुई है। और अब देखिए दूर दूर तक जहां नजर दौड़ा लीजिए इस एक्सप्रेसवे पर, जो एक तरीके से सरकार का बहुत ही महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट रहा है, उसमें कुछ इस तरह से आज कोई आम गाड़ियां नहीं दौड़ रही है बल्कि ये देश के अन्नदाता के ट्रैक्टर दौड़ रहे हैं। पीछे आप देखिए लगातार बाजे गाजे, शोर शराबे, नारों और पूरे जोश के साथ कई युवा किसान भी है, बुजुर्ग किसान भी है। और आप ट्रैक्टर में जरा गिन लीजिए, 1, 2, 3 नीचे लगभग दर्जन भर ट्रैक्टर भरे किसान भरे हुए हैं और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। कुछ इस तरह से आप सुनिए, मीनाक्षी म्यूजिक की भी आपको आवाज आ जाएगी। ये वो पंजाबी गीत और संगीत है जो लगातार इस आंदोलन की एक बहुत बड़ी निशानी कह लीजिए या एक पहचान रहे हैं। जिस तरह से पंजाबी सिंगर्स ने अपना योगदान दिया है, वही आप देखिए हर एक ट्रैक्टर पे आपको अलग अलग झंडा लहराता हुआ नजर आ जाएगा। एक युवा किसान यहाँ बैठे हैं, ये उनसे पूछते हैं कहाँ तक, क्या संदेश देने की कोशिश? संदेश तो हूँ जी मोदी ने दसना है भी कल की हो रहा है, भी की कर रहा है, सब रद्द कर रहे हैं ना, असि अपने घर जाइए ठीक है कि नहीं, साड़ी यही मैं साढ़े कानून रद्द कर रहे हैं। किसानों की परेड रिहर्सल इस ट्रैक्टर के साथ KMP हाईवे पर आगे बढ़ रही है। मेरे साथ अमृतसर से आए कुछ युवा किसान हैं जो ट्रैक्टर पंजाब की शान मानी जाती है, और ये किसान जो यहाँ पिछले 43 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, अब तक जो बातचीत रही उसमें कुछ बहुत निकल के नहीं आया। इस ट्रैक्टर प्रदर्शन, इस शक्ति प्रदर्शन से किसान संकेत क्या देना चाहते हैं? संदेश ये कहना चाहते हैं कि अपना जो 26 तरीक का नाम मनिया मोदी के लाल किले से घेरा पावे, लखा हजार करोड़ लाल किले तक ट्रैक्टर से मार्च करने का इरादा है। हाँ, के मार्च भी करेंगे, घेरा भी पावे। ये जो स्ट्रेटजी है इसको ये भी कह सकते हैं कि ट्रैक्टरों के नाल होगी, लखा करोड़ों के नाल किसान इतने पहुंचेंगे। आप कितने दिन से यहाँ बैठे हुए हैं? ऐसी जिस दिन का धरना लगा उस दिन इतने बैठे हुए हैं। 43 दिन से ये लोग दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर टिके हुए हैं, और इधर आप जो तस्वीरें देख पा रहे हैं, ट्रैक्टर ट्रॉलियां और ये तमाम सारे किसान, ये परेड की रिहर्सल है
क्योंकि इनका मकसद है रिपब्लिक डे पर किसानों की एक परेड झांकी निकालना। अगर इनकी मांगे नहीं मांगी जाती हैं और आंदोलन यूं ही चलता रहता है। केएमपी पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर संजय कुमार के साथ इस ट्रैक्टर परेड को कवर करते हुए मैं आशुतोष मिश्रा आज तक। तिरंगे झंडे के साथ जो सैकड़ों तादाद में नारे लगाते हुए यहाँ पर किसान हमारे साथ लगातार चलते चले जा रहे हैं। सैकड़ों की तादाद में ट्रैक्टर है, सबसे आगे जो ट्रैक्टर है उसको खुद राकेश टिकैत जो कि किसान नेता है बातचीत में शामिल होते हैं। कल बातचीत भी है किसानों की सरकार के साथ, उससे पहले ये एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन इस समय सड़कों पर किस तरीके से आप देख सकते हैं। तिरंगा, किसानों के झंडे, ट्रैक्टर बढ़ते हुए तेज रफ्तार के साथ लगातार इस समय जो नेशनल हाईवे 9 है वहाँ पर एक तरीके से ट्रैक्टरों से पटी हुई है पूरी सड़क और नारेबाजी और तमाम अलग अलग तरीके से बड़ी तादाद में किसान सड़कों पर। ये केवल गाजीपुर से जो ट्रैक्टरों की रैली है वो नहीं निकाली गई है बल्कि अलग अलग बॉर्डरों से, चाहे टिकरी बॉर्डर हो, सिंघू बॉर्डर हो, ढांसा बॉर्डर हो, दिल्ली के अलग अलग इलाकों से केएमपी पर इस तरीके की रैली इसी तरीके से आज आयोजित की गई है ये दिखाने के लिए कि अगर सरकार ने इनकी मांगों को नहीं माना तो 26 जनवरी को इससे बड़ी ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी तिरंगे झंडे के साथ। और जब एक तरफ परेड चल रही होगी सेना की और तमाम चीजें, तब यहाँ पर परेड चलेगी।